पहले हमने 7294 आईसी का बोर्ड बनाया था 200 वाट का, आज हम उसका बेस टेबल का बोर्ड बनाएंगे जिसमें इको इफेक्ट का माइक भी दिया है। तो आइए शुरू करते हैं। ये हमने लेजर ब्लैक एंड वाइट प्रिंटर से प्रिंट निकाल रखा है फोटो पेपर पे, ग्लोजी पेपर भी बोलते हैं जिसे। और ये है कॉपर क्लेट बोर्ड, स्टील वुल की मदद से इसे साफ कर लेते हैं और इसे आयरन पे प्रेस करेंगे लगभग 10 मिनट तक। अब इसे पानी में डाल देंगे और पेपर हटा देंगे। आप देखेंगे कि पूरी तरह से प्रिंट नहीं आया, तो बाकी बचे हुए हिस्से को पेंट कर देते हैं हम। ये स्क्रीन प्रिंटिंग वाला पेंट है जो जल्दी सूख जाता है। बिल्कुल सही लाइन बनाने के लिए आप इस प्रकार से फालतू पेंट हटा भी सकते हैं। पेंट सूखने के बाद फेरिक क्लोराइड में डाल देंगे जब तक के कॉपर हट नहीं जाता, हमें लगभग 15 मिनट लगे। अब निकालकर इसे थिनर की मदद से साफ कर देंगे जिससे प्रिंट हट जाएगा इसका। और अच्छी तरह से चेक कर लेंगे कोई प्रिंट शॉर्ट तो नहीं आपस में, जैसे कि ये ब्लेड या चाकू की मदद से हम इसे काट देते हैं। एक इधर भी था, इसे भी हमने काट दिया है। अब इसमें होल करेंगे जिसमें हमारी बिट है 0.8 mm की और एक बिट है 1.2 mm की जो कि पोटेंशियोमीटर के लिए है। अब स्क्रीन प्रिंटिंग के प्रोसेस से हम ग्रीन मास्क कर देंगे। इसके बाद इसे सुखा लेंगे। एक प्रिंट और है जो इसके ऊपर लगाएंगे। ये प्रिंट दे रखा है इसके किनारे किनारे, किसी भी होल की जगह हम सुई या आलपिन की मदद से इसमें होल कर लेंगे और पीसीबी पर रखकर रेजिस्टेंस फंसा लेंगे जिससे ये कहीं हिलेगा नहीं, और ऊपर से प्रेस कर देंगे जिससे ये चिपक जाएगा, फिर रेजिस्टेंस हटा देंगे। और पीसीबी पर प्रिंट आ जाएगा। फिर इस पर वेजिटेबल ऑयल लगा देंगे जिससे प्रिंट डार्क दिखने लगेगा। कपड़े से साफ कर सकते हैं आप इसे। अब आपका पीसीबी तैयार है। अब ये रहे हमारे कंपोनेंट्स। अब माउंटिंग करेंगे। सबसे पहले है 1K और 100 ओम। ये गलती से मैंने 100 ओम लगा दी थी, यहाँ पर 1K लगेगी पहले नंबर पे, फिर 100 ओम है। उसके बाद है 9 पीस 47K, जल्दी जल्दी दिखाने के लिए कुछ वीडियो हमने काट भी रखी है। उसके बाद है 4 पीस 1K, उसके बाद है 6 पीस 4.7K जिसे 4K7 भी बोलते हैं।
और दो पीस है 2.2K, यानी 2K2 भी कहते हैं जिसे। और सात पीस है 15K रेजिस्टेंस। उसके बाद दो 220K, और दो है 22K। उसके बाद है सात पीस 10K, उसके बाद एक पीस है 100K, और दो जम्पर लगे हुए हैं यहाँ पर, जम्पर लगा देते हैं। पांच पीस पीएफ लगेंगे, 100 PF है ये, 101 भी लिखा रहता है इस पे, 100 और 101 एक ही बात है, ये कभी पीएफ के बारे में बताऊंगा मैं आपको। और दो पीस हैं 472 या 502 भी लगा सकते हैं यहाँ पर, वो भी चलेगा। और तीन IC हैं 45-58 और एक है PT2399 जो कि इको माइक के लिए है, इससे इको इफेक्ट आता है। और पांच पीस हैं 560 PF, 561 PF भी कहते हैं। उसके बाद है तीन पीस 104 और दो पीस हैं 823 PF। अगर 823 PF ना मिले तो 104 भी लगा सकते हैं, जिसके काफ़ी पास में वैल्यू है इसकी। और दो पीस हैं 332 PF और एक है 103 PF, मेरे पास 153 था, ये लगा देता हूँ। 153 लगभग इससे डेढ़ गुना हो जाएगा, जब नहीं है तो हम लगा सकते हैं। तीन पीस हैं 223 PF और ये एक 22K रेजिस्टेंस रह गई थी हमारी, इसे भी लगा देते हैं। उसके बाद पांच पीस हैं 150, यानी कि एक UF 50 वोल्ट में कंडेंसर। तीन जो राइट में हैं उनके राइट में ही माइनस पॉइंट रहेगा, और जो दो बाकी बचे उसका लेफ्ट में है माइनस पॉइंट। और चार पीस हैं 4.750, जिनके माइनस पॉइंट राइट में है। एक है 47-25 और एक जीनियर डायोड 5 वोल्ट का, इसमें निशान होता है, निशान देखकर लगाएं। और दो पीस हैं 150, यानी कि 100 UF 50 वोल्ट में, जिसका एक माइनस पॉइंट नीचे है और एक का ऊपर है। और एक है 102 PF और एक पीस है 125, 125 लगा सकते हैं आप, 220 भी लगा सकते हैं, 220-25 या 220-10 भी चलेगा, क्योंकि यहाँ पर 5 ही वोल्ट आएंगे।
और 5 लगेंगे पोटेंशियोमीटर, 147 के ड्यूल हैं, 200 के ड्यूल हैं और 2 हैं 22 के सिंगल, मेरे पास सिंगल नहीं था तो ये 22 के भी नहीं था ना सिंगल था, इसलिए मैंने 47 के दोनों ड्यूल ही लगा रखे हैं। और ड्यूल यहाँ पर ड्यूल नहीं लगेगा, सिंगल ही लगेगा, इसलिए मैंने पीछे की पिनें काट दी इस तरह से। आप भी काट सकते हैं अगर आपके पास है तो, ऐसे तीनों पिनें काट के हम यूज कर लेते हैं। एक जो 220 ओम की जगह खाली रह गई है, अगर आप 12 वोल्ट यूज करेंगे यहाँ पर, 12 वोल्ट भी यूज कर सकते हैं तो आप 220 ओम लगा सकते हैं, नहीं तो ये जम्फर डाल देंगे। हम 5 वोल्ट यूज करेंगे इसलिए यहाँ पर। अब कटिंग करेंगे, उसके बाद सोल्डिंग करेंगे। सोल्डिंग पेस्ट लगा लेते हैं। अब सोल्डिंग वीडियो में पहले नॉर्मल स्पीड में दिखा रहे हैं, उसके बाद 4 गुना और फिर 8 गुना। जल्दी जल्दी दिखाने के लिए कुछ वीडियो हमने काट भी रखी है। अब पेट्रोल से इसे वॉश कर देंगे। आप देख सकते हैं कि पहले और अब में कितना अंतर है, काफी साफ हो गया, बिल्कुल साफ बोर्ड दिखाई दे रहा है। अब तैयार है आपका बोर्ड, अब करेंगे कनेक्शन। ये हमारा बोर्ड है जो हमने पहले बनाया था। अगर आप पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं तो पहली वीडियो देख सकते हैं नीचे क्लिक करके, किस तरह से ये वाला बोर्ड बनाया था। इस बोर्ड में से ये ड्यूल हटा देते हैं, वॉल्यूम के लिए यूज कर देते इसे, उसकी जगह ये बोर्ड में कनेक्शन कर देते हैं। और ये है हमारा MP3 कार्ड, इसको 5 वोल्ट देने, वो हमने अलग से दे रखे हैं, इसको आप भी ऐसे अलग से कहीं से दे सकते हैं। और इस बेस टेबल के बोर्ड में भी आपको 5 वोल्ट दे रहे हैं, वायर लगा देते हैं 5 वोल्ट के लिए। और इस बोर्ड में जाएंगे 30 वोल्ट जो हमारे बोर्ड के हैं, माइनस वोल्ट भी जाएंगे इसमें, माइनस वोल्ट से चल रहा है ये, 30 वोल्ट और ग्राउंड दे देते हैं यानी कि 0 और 30 माइनस, ये वोल्ट आएंगे इसमें। और ये है इसके कनेक्शन। अब बोर्ड की ऑडियो लगा देते हैं। अब नॉब लगा देते हैं, उसके बाद प्ले करेंगे।
ब्लूटूथ के कार्ड में ये आवाज़ आ रही है, और ये आती है ही, ब्लूटूथ के जो कार्ड होते हैं कुछ आवाज़ें ये आती है ही। ये इस तरह से एक USB सॉकेट पे ग्राउंड है ये, इसके ग्राउंड से इस पर हम ग्राउंड कर देंगे इसको एक वायर लेके, तो इससे कम हो जाएगी, ख़त्म नहीं होगी ये, बहुत कम हो जाएगी। थीर्ड, और अगर हम मोबाइल से डायरेक्ट लीड से चलाते हैं तो ये आवाज़ नहीं आती इसमें, वो भी चला के देखेंगे आगे हम। इसमें बेस, ट्रेबल, वॉल्यूम और दो टोन है, जो कि एक इको का है और एक माइक वॉल्यूम है। हम माइक चेक करेंगे, हमारे पास ये लीड है और ये ऑक्स का सॉकेट है, ये दोनों मोनो है, लीड भी मोनो है और ऑक्स का सॉकेट भी मोनो है। आप स्टीरियो भी यूज कर सकते हैं अगर आपके पास स्टीरियो लीड और सॉकेट है। अगर विदाउट कैबिनेट हमें देखना है कुछ भी तो ऐसे ही कनेक्शन करने पड़ते हैं इधर से उधर, और कैबिनेट अगर होती है तो उसमें सामान फिट हो जाता है, उसमें फिर कनेक्शन करते हैं, वो ज़्यादा अच्छा लगता है। तो फिलहाल हम ऐसे चेक करेंगे, तो दोनों वायर लगा देंगे और जहाँ पर ये तीसरा पॉइंट बचा हुआ है उससे जो माइक चलेगा वो विदाउट इको चलेगा, वो अलग से माइक लगाने के लिए कि विदाउट इको जैसे आपको चाहिए तो वो ऐसे यूज कर सकते हैं। हेलो हेलो ये इको, हेलो 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 इको के साथ है, और ये सिंपल इको का एक ही वॉल्यूम है, हेलो हेलो हेलो, और ये बंद सिंपल माइक। दूसरे कनेक्शन से भी सिंपल माइक, हेलो 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 हेलो, इसका वॉल्यूम है ये बिल्कुल सामने, इसलिए सीटी आ रही है, हेलो 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 अब हम कार्ड हटा देंगे, डायरेक्ट मोबाइल से चलाएंगे जो हमने माइक के लिए ऑक्स और सॉकेट यूज किया था, अब मोबाइल फोन के लिए यूज करेंगे उसे। वीडियो बनाते हुए कैमरा काफ़ी नज़दीक था हमारे इसके, तो इसलिए आवाज़ बिल्कुल साफ नहीं आ रही है, फटी फटी से आपको सुनाई देगी, लेकिन ब्लूटूथ के कार्ड से थोड़ी इसमें साफ आवाज़ आ रही है। जब हम मोनो लीड लगा रहे हैं तो दोनों पॉइंट ऑडियो के शॉर्ट कर देते हैं इस तरह से, जिसमें दोनों साइड आवाज़ आ जाएगी आराम से।
पसंद आई तो लाइक करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि दिखाने के लिए भी बहुत कुछ बाकी है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।